दूसरा दिन है और आज मैं लखनऊ के बहुत ही फेमस जगह गोमती नगर में हूँ। मैं अभी गोमती नगर के पीएन रोड के पास अभी हूँ और अब मैं यहाँ से कुछ फेमस जगह और बाकी हैं आपको दिखाना, तो उस साइड की ओर हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहला जो मेरा आज का डेस्टिनेशन होगा वो होगा अंबेडकर पार्क। तो हम आपको अंबेडकर पार्क ले चलेंगे और घुमाएंगे। तो सबसे पहला मेरा डेस्टिनेशन है। और तो अब बात आती है कि मैं यहाँ से पार्क तक कैसे जाऊँगा। तो मैं आपको बता दूँ, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की अगर आप यूज़ करते हैं तो आप काफ़ी कम खर्च में जा सकते हैं। पर ऐसा है क्या कि यहाँ पे भी वाराणसी की तरह एक अपना पर्टिकुलर रूट फिक्स है, जिसकी वजह से आप डायरेक्ट उस जिस जो लोकेशन पर जाना चाह रहे हो वहाँ पे नहीं जा सकते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी ओला बुक किया है, ओला बाइक बुक किया है, जिसके तहत कि मुझे काफ़ी कम खर्च आएंगे। मेरे ख्याल से अबाउट 25 रुपीज़ के आसपास आने वाले हैं खर्च। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एंट्रेंस गेट। एंट्रेंस करने से पहले आपको टिकट खरीदना पड़ता है, 15 रुपीज़ पर पर्सन चार्जर्स हैं इस पार्क के अंदर जाने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में। ये पार्क इंडिया के लिए बहुत स्पेशल है और ये पार्क वाकई में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। आप जब भी लखनऊ में आते हैं तो ये पार्क ज़रूर से आइए। इस पार्क की बहुत खासियत है, बहुत कुछ है इस पार्क में दिखाने को, बताने को, जो कि मैं धीरे धीरे आपको कोशिश कर रहा हूँ इस पूरे वीडियो में बताने की। आप इस जगह पे देख सकते हैं, नीचे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये पूरा पत्थर है। इस पूरे पार्क के फ्लोर पर इस पूरा मार्बल लगाया गया है। ये जो पत्थर है ये राजस्थान का गुलाबी पत्थर है, जिसे कि राजस्थान से मंगा के यहाँ पे बनाया गया है। ये पार्क यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मायावती द्वारा इसको बनवाया गया था और वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं उन सारे लोगों की यहाँ पर स्टैचू बनाई गई है। ऐसे करते करते सारे जितने भी ग्रेट लीडर हैं वो सारे ग्रेट लीडर की यहाँ पे स्टैचू बनाई गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर म्यूज़ियम,
जिसके अंदर अंबेडकर साहब के ऐसे उनकी महानता को बताया गया है। उनके कई सारे पोस्टर और कई सारे स्टैचूज इस म्यूजियम के अंदर रखे गए हैं।